नंबर वन शो देशिता और आपके साथ मैं अदिति त्यागी। देश बदल रहा है और नए भारत में नए खबरों को पेश करने का तरीका, एक घंटे का ये न्यूज कैप्सूल लेकर के हम हाजिर हैं। मैं हूँ सचिन। देशित में सिर्फ खबर ही नहीं, हम आपको उस खबर का राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी बताएंगे और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कुछ और रक्षा उपकरणों पर लगाई जाएगी पाबंदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान, कहा 101 रक्षा उपकरणों पर पाबंदी एक बड़ा कदम, आज से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत। सचिन पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा केशव गहलोत से मुलाकात, कहा विकास कार्यों को लेकर नाराजगी थी, दूर हो गई। सूत्रों के मुताबिक आज रात जयपुर रवाना हो सकते हैं पायलट गुट के सभी विधायक। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट की राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी की अशोक गहलोत से ताजा हालात पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रहे रहीम पठार और उसके बेटे हिलाल के ठिकानों पर छापेमारी से खुलासा, जम्मू के बंगले में 5-स्टार सुविधाएं, दुबई अमेरिका समेत कई देशों में संपत्ति बनाने का आरोप। बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, असम बिहार यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक और केरल में सैलाब से निपटने की तैयारियों पर चर्चा। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों से ईडी की पूछताछ में आरोप, बिहार में चुनाव इसलिए, पटना में दर्ज हुई एफआईआर, सुशांत के पिता बहन का बयान दर्ज करेगी सीबीआई। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट पहली बार 90% के पार हुआ, अब दिल्ली में सिर्फ 7% कोरोना के एक्टिव मरीज, केजरीवाल ने कहा धीरे धीरे लगातार दिल्ली के लोग कोरोना को हरा रहे। फिलहाल स्कूलों के खुलने का समय तय नहीं, सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, कोरोना महामारी की स्थिति पर निर्भर करेगा स्कूल कब खुलेंगे। 2 दिन बाद दुनिया को मिल सकती है पहली कोरोना वैक्सीन, रूस कराएगा वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कोई जादुई गोली नहीं जिससे संक्रमण तुरंत ठीक हो जाएगा। कश्मीर से सरहद पार से बड़ी साजिश, 380 आतंकी एलओसी के पास लॉन्चिंग पैड पर मौजूद टिफिन बॉक्स से आतंकी को पहुंचा जा रहा पैसा, पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.